रिया चक्रवर्ती से सीबीआई आज फिर पूछताछ करेगी। उन्हें आज भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया गया है। सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत के मामले में रिया से सीबीआई लगातार 3 दिन से सवाल जवाब कर रही है। 28 अगस्त को उनसे 10 घंटे पूछताछ हुई, जबकि 29 अगस्त को 7 घंटे और 30 अगस्त को 9 घंटे सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अब रिया को सीबीआई के मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआत में रिया खटाखट सीबीआई के सवालों का जवाब दे रही थी, लेकिन जब सीबीआई ने रिया के सामने कठिन सवाल किए तो वो घबरा गई। उनका आत्मविश्वास अब टूटने लगा है। सीबीआई ने रविवार को रिया से पूछा कि 8 जून को उन्होंने घर क्यों छोड़ा, क्या 8 से 12 जून के बीच सुशांत से बात हुई, आपने सुशांत का फोन ब्लॉक क्यों किया, क्या सुशांत की मानसिक हालत के बारे में जानने की कोशिश की, 8 से 13 जून के बीच क्या वो सिद्धार्थ नीरज दीपेश के टच में थी, सुशांत से उनकी मुलाकात कैसे हुई, क्या सुशांत डरे हुए थे और सुसाइड के बारे में सोच रहे थे, क्या सुशांत को डॉक्टर के पास वो लेकर गई थी, ऐसे कई तीखे सवाल सीबीआई ने रविवार को रिया से किए थे। एनसीबी भी रिया से पूछताछ करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स को लेकर एनसीबी रिया का ब्लड टेस्ट भी कर सकती है। हालांकि आज तक से बातचीत में रिया ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर चुकी हैं और कह चुकी है कि ब्लड सैंपल देने को भी तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज ईडी गौरव आर्या से पूछताछ करेगी। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल के खुलासे के बाद गौरव आर्या का नाम व्हाट्सएप चैट में सामने आया था। सीबीआई की टीम भी गौरव आर्या से पूछताछ कर सकती है। गोवा में होटल चलाने वाला गौरव आर्या एनसीबी के राडार पर है। गोवा एयरपोर्ट पर गौरव आर्या ने कहा कि मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है, मैं सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं मिला, मैं रिया चक्रवर्ती से साल 2017 में मिला था। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने सुशांत के वायरल हो रहे ऑडियो को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि 11 जनवरी को खर्च घटाने और पैसे बचाने को लेकर जो मीटिंग सुशांत के घर पर हुई थी, उसको खुद सुशांत ने रिकॉर्ड करवाया था। सुशांत का कहना था कि जो भी बात हो रही है उसको वो बाद में समझना चाहेंगे। उन्होंने आज तक से खास बातचीत की। सुशांत ने खुद ने ही कहा था कि इसको रिकॉर्ड कर लो ताकि मैं बाद में इसको समझ सकूं। मैं शांति से जो है जो भी बातें होती है उनको समझना चाहता हूं। तो उस एंगल से जो है उसको रिकॉर्ड किया गया था विदाउट एनीबडीज नॉलेज एक्सेप्ट सुशांत। वो जो चैट्स है वो ये बताती हैं कि सुशांत जो है कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंशियली अनसिक्योर समझते थे। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स की टीम आज मुंबई नहीं पहुंचेगी। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के निदेशक डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इस बात की जानकारी सीबीआई को दे दी है। उन्होंने जांच के लिए सीबीआई से और वक्त मांगा है। सीबीआई के कहने पर एम्स की 4 सदस्यीय टीम सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम और विस्तार रिपोर्ट की जाँच कर रही है। सीबीआई ने उन्हें मुंबई बुलाया था ताकि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछताछ की जा सके। अमेरिका में रहने वाली सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कुछ और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि क्यूबा में भी सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टर लगे हुए हैं। ट्रक के पीछे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में सुशांत सिंह राजपूत की फोटो लगी है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह, नीतू, प्रियंका के पति सिद्धार्थ से पूछताछ करने का फैसला किया है। जरूरत पड़ी तो सुशांत की बहनों और रिया, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज दीपेश को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं। सुशांत की बहन नीतू 8 से 12 जून तक भाई के साथ ही रह रही थी। इनसे 5 दिनों के दौरान हुए घटनाक्रम के बारे में पूछा जाएगा। परिवार की तरफ से मीतू ही सबसे पहले सुशांत की मौत के बाद उनके घर पहुंची थी। सुशांत के कमरे की हालत से लेकर उनकी डेड बॉडी, वहां मौजूद स्टाफ के हाव भाव, उनकी बातें, इन सारी बातों की वो चश्मदीद है। सीबीआई मोटे तौर पर अब सुशांत के उनसे जो सवाल कर सकती है वो है, 8 जून को आप सुशांत के घर कब पहुंची थी, रिया कितनी देर पहले वहां से गई थी, रिया के जाने के बाद सुशांत ने क्या बताया, क्या रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ था, 8 से 12 जून के बीच सुशांत से क्या बात हुई थी, उन 5 दिनों में सुशांत के स्टाफ का रवैया कैसा था, 14 जून को क्या क्या हुआ। महाराष्ट्र में भी बाढ़ लगातार तबाही मचा रही है। चंद्रपुर में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हर तरफ पानी ही पानी है, न रास्तों का पता है, न ही सड़कों का, सब दरिया बन गए हैं। इलाके में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ और बारिश से बचने के लिए लोगों ने घरों की छतों पर शरण ली है। लोगों को सरकारी राहत का भी इंतजार है। लोगों को न तो खाना मिल रहा है और न ही पानी।
चंद्रपुर की ब्रह्मपुर तहसील में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। 6 गांव तो टापू में तब्दील हो चुके हैं, जहाँ हजारों लोग गांव में फंसे हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से लगातार ये पता लगाया जा रहा है कि किन इलाकों में बाढ़ से ज्यादा तबाही मची है। राहत और बचाव के काम में बोट जुटी हुई है। घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। भंडारा में भी हालात खराब हैं। वैनगंगा में उफान ने भंडारा को पानी पानी कर दिया है। संजय सरोवर के गेट खोलने से कई गांव में पानी घुस आया है। संजय सरोवर का पानी इतना तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। भंडारा के शिक्षक कॉलोनी, सब्जी बाजार, नागपुर नाका कॉलोनी में इतना पानी भर गया कि ट्रक भी पानी में समा गया। सब्जी मंडी में तो 10-10 फीट तक पानी जमा है। यहाँ नाव चलाकर लोगों को बचाया जा रहा है। उड़ीसा में भी नदी नाले उफान पर हैं। संबलपुर में बारिश और बाढ़ से उड़ीसा भी त्राही त्राही कर रहा है। भारी बारिश से लबालब हीराकुंड डैम से छोड़े गए पानी से संबलपुर शहर पूरा डूब चुका है। हर तरफ पानी पानी है, मानो जल प्रलय आ गया हो। निचले हिस्से में 10 फीट तक पानी आ चुका है। घरों की निचली मंजिलें डूब चुकी हैं। संबलपुर से ही तकरीबन 2000 लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया है। बिहार में लगातार 2 महीनों से बाढ़ का कब्जा है। आधा बिहार अब भी इससे उबर नहीं पाया है। छपरा में हालात काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी उतर नहीं रहा, लोगों की मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। ऐसे में नाराज लोग पानी में डूबकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छपरा के अमनौर ब्लॉक में गांव में सड़कों पर पानी भरा है और घर डूबे हुए हैं। खेत खलियान सब जगह पानी पानी हो चुका है। गोपालगंज में आई बाढ़ से अभी भी लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में काफी कमी आई है, पर बरौली, सिद्धवरिया और बैकुंठ प्रखंड में बाढ़ से लोगों को निजात नहीं मिल पाई है। घोघारी नदी की पानी की वजह से यहां के लोगों को कई समस्याओं से होकर गुजरना पड़ रहा है। राजस्थान के मारवाड़ इलाके में बाढ़ के हालात हैं। पाली के ऊपरी इलाकों में तेजी से बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। एक नाले में रविवार को जीप बह गई। जीप में सवार 3 लोगों की बड़ी मुश्किल से जान बच पाई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से जीप को बाहर निकाला गया। रायसेन में बाढ़ में फंसे 911 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसी तरह से बौती में बाढ़ में फंसे 61 लोगों को एयरलिफ्ट कर निकाला गया है। पूरे रायसेन में बाढ़ का कहर बरप रहा है। नर्मदा नदी उफान पर है। बरेली के भौती गांव में हालात सबसे ज्यादा खराब है। बाढ़ में फंसे 61 लोगों को इसी गांव से निकाला गया है। वहीं मंडीदीप से भी 84 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रायसेन में सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। बरना बांध के गेट खुलने के बाद बरना नदी में उफान आने से रायसेन में मुसीबतें बढ़ गई हैं। घोघरा नदी के कारण बरेली में 6 वार्डों में पानी भर चुका है। गुजरात के खंबाला में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। द्वारका जिले में दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। बड़ोदरा में भी भारी बारिश ने दिक्कतें पैदा कर दी हैं। घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर पानी भर जाने से आवाजाही पर भी असर पड़ा है। इलाके में लगातार बारिश हो रही है और फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। कोटा में बांध के 10 गेट खोलने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कोटा शहर में अलर्ट जारी किया गया है। चंबल नदी पर बनी रियासत कालीन पुलिया डूब चुकी है। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते चंबल नदी पर बने सभी बांधों का जलस्तर बढ़ चुका है। इनसे लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। गुजरात में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला खेराड़ा गांव में एक कार नदी में बह गई। कार में बैठे लोगों ने बचाने की गुहार लगाई, तब ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कार सवारों की जान बचाई। राजस्थान के जालौर में आसमानी आफत से कोहराम मच गया है। 6 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद जिले के तमाम नदी नाले उफान पर आ गए हैं। ऐतिहासिक तीर्थ स्थल सुंधा माता के मंदिर के आसपास भी नदी का पानी भर चुका है। एक कार सवार ने यहां लापरवाही की और उफनती नदी को पार करने की कोशिश की, जिसमें कार बह गई। जेसीबी की मदद से प्रशासन ने कार को बाहर निकाला और 3 युवकों की जान बचाई। ये सभी गुजरात से जालौर घूमने आए थे। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है।
जिसके चलते चंबल नदी का जलस्तर खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है। चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध में भी क्षमता से ज्यादा पानी भर चुका है और अब यहां से भी पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से कोटा बैराज में भी अचानक पानी बढ़ गया है। चंबल में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी के आसपास बसी बस्तियों को अलर्ट जारी किया है और नदी के पास जाने से मना किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीर देखिए। यहां इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट खोलने से नर्मदा नदी उफान पर है। बारिश से महेश्वर का ऐतिहासिक अहिल्या घाट डूब चुका है। नर्मदा मंदिर सहित कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। यहां नर्मदा खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। रायसेन के बाड़ी बरेली में कई जगहों पर राहत शिविर बनाए गए हैं। यहां बारना बांध के 8 गेट खोले जाने से जलस्तर बढ़ गया है। दौरे के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 1999 के बाद इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है। अभी तक 8,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर का मानचित्र और दूसरे दस्तावेज अयोध्या विकास प्राधिकरण को सौंप दिए हैं। विकास प्राधिकरण में जो मानचित्र जमा किया गया है वो 67 एकड़ का है। मानचित्र जमा करते समय 65,000 रूपए प्रारंभिक शुल्क के रूप में जमा कराई गई है। राम मंदिर निर्माण से पहले 67 एकड़ के भीतर के जर्जर भवनों को गिराया जा रहा है। अभी तक गर्भगृह के करीब का चबूतरा, सीता रसोई समेत कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक महत्व के जर्जर मंदिरों को गिरा दिया गया है। अब मानस भवन के कुछ हिस्सों को गिराने की तैयारी है, इसलिए मानस भवन को खाली कराया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण होने पर मध्य प्रदेश के मुरैना में इसे उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने शिलाओं का पूजन कर रथ रवाना किया। शिला पूजन शहर के राम जानकी मंदिर पर पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आयोजित किया गया। रथ के जरिए मुरैना के गांव-गांव में भ्रमण कर उत्सव मनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। हरिद्वार में बैरागी संप्रदाय के संतों में नाराजगी है। मामला अखाड़े की चरण पादुका और मंदिर हटाने को लेकर जिला प्रशासन के नोटिस का है। बैरागी अखाड़ों के संतों ने कुंभ मेले में प्रशासनिक व्यवस्थाएं और सुविधाएं लेने से इनकार करते हुए बहिष्कार करने की घोषणा की। नीट और जेई परीक्षा को लेकर बवाल जारी है। पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर एआईएसएफ छात्र संगठन की ओर से एक दिवसीय भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बीच बीजेपी ने दोनों परीक्षाओं में छात्रों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। रांची में बीजेपी ने छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन जारी किया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में हमारे जवानों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान शहीद हो गए हैं। पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ये 3री मुठभेड़ थी जिसमें 10 आतंकियों का सफाया किया गया है। दिल्ली में खालिस्तान समर्थक 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों की पहचान इंद्रजीत गिल और जसपाल सिंह के रूप में की गई है। इन दोनों ने पंजाब के मोगा में जिला कलेक्टर कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर खालिस्तान का झंडा फहराया था। पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकी प्रतिबंधित चैनल सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़े हुए थे। आज खालिस्तान समर्थकों ने पंजाब बंद का आह्वान किया है। बेअंत सिंह के हत्यारे दिलावर की बरसी के नाम पर लोगों से फोन पर अपील की जा रही है। इस महीने पंजाब के लोगों को विदेशों से करीब दर्जन भर कॉल की गई है। शिवसेना ने बंद की अपील का विरोध किया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने तरन तारण में प्रदर्शन किया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सचिन पायलट को लेकर गुर्जर समाज में नाराजगी है। समाज के नेता अब अपनी पुरानी मांगों को लेकर आंदोलन कर सकते हैं। धौलपुर पहुंचे किरोड़ी लाल बैसला के पुत्र विजय बैसला ने पुलिस मुठभेड़ में मारे गए युवकों के परिजनों से मुलाकात की और गहलोत सरकार को चेतावनी दी।
मोदी सरकार अब भ्रष्ट और अयोग्य सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों की पहचान करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही मोदी सरकार भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों को रिटायर करने पर भी जोर दे रही है। इसको लेकर एक रजिस्टर भी तैयार करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देश के तहत सरकारी सेवा में 30 साल पूरे कर चुके या 50 से 55 साल की उम्र के कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड की जांच करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 30 साल पूरे कर चुके या 50 से 55 साल की उम्र के सरकारी कर्मचारियों की सर्विस रिकॉर्ड में अक्षमता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच हो। राजस्थान कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अजय माकन आज जयपुर में कांग्रेस दफ्तर में बैठक करेंगे। माकन कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिनमें सचिन पायलट भी शामिल हैं। अजय माकन की कोशिश है कि गहलोत और पायलट खेमे के बीच पनपी दूरियां खत्म की जाएं और दोनों के बीच काम को लेकर समझौता कराया जाए। दोनों खेमों में पिछले महीने कई दिनों तक तनाव देखा गया, जिसके कारण राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट के बादल छा गए थे। हालांकि अब दोनों पक्षों में सुलह हो गई है और दोनों मिलकर काम करने पर राजी हैं। इसके बावजूद अगर कोई विवाद रह गया है तो अजय माकन उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। माकन रविवार को जयपुर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आधिकारिक आवास पर उनसे मुलाकात की थी। कोरोना काल में हरेक त्योहार का रंग फीका पड़ गया है, मगर धीरे धीरे न्यू नॉर्मल को अपनाकर देश आगे बढ़ रहा है। महीनों से बंद पड़े मनोरंजन के माध्यमों को सरकार द्वारा छूट मिलनी शुरू हो रही है। इसी क्रम में रामलीला के मंचन की तैयारी हो रही है। रविवार को अयोध्या की रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों की दिल्ली में मीटिंग हुई, जिसके मुख्य संरक्षक बीजेपी के सीनियर नेता और सांसद प्रवेश वर्मा हैं। उन्होंने कहा कि इस बार रामलीला का मंचन पूरी दुनिया में सबसे सुंदर होगा। इस रामलीला में मुख्य भूमिका में सांसद और फिल्म स्टार मनोज तिवारी अंगद की भूमिका निभाएंगे और गोरखपुर से सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन भरत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म स्टार बिंदु दारा सिंह हनुमान के रोल में और फिल्म स्टार असरानी नारद मुनि की भूमिका में नजर आएंगे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को प्रशांत भूषण की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रशांत भूषण को सजा सुनाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से राय मांगी थी, जिस पर वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रशांत भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक दो ट्वीट के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से इनकार कर दिया था। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कल एक दिन में ही 78,761 केस सामने आए हैं। दुनिया में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों का ये रिकॉर्ड है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 35,42,000 से ज्यादा हो चुके हैं। इससे पहले अमेरिका में 16 जुलाई को सबसे ज्यादा 77,299 नए केस सामने आए थे। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि रिकवरी की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 8 दिनों में ही 5,00,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इससे पहले 5,00,000 लोगों को ठीक होने में 9 से 10 दिन का वक्त लगता था। मंत्रालय ने कहा कि सबने मिलकर जो असरदार उपाय किए और एहतियात बरते, उससे रिकवरी सुधरी है। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2024 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। एक दिन में 22 और लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में फिर से कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ने के साथ ही राजधानी में अब तक 173,390 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश के देवास के करीब क्षिप्रा में एक मकान पर पाकिस्तानी झंडा लहराने का मामला सामने आया है। पाकिस्तानी झंडा लगाने का वीडियो वायरल होते ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और झंडे को जब्त कर लिया। पुलिस ने उस मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिनके घर में पाकिस्तानी झंडा फहरा रहा था, उन्होंने पुलिस को बताया कि बेटे ने झंडा लगाया था। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि उसके बेटे को किसने झंडा दिया और क्यों इसे लगाया था। कटिहार में जमीनी विवाद में एक महिला को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला गया। पुश्तैनी जमीन जोतने को लेकर दो पक्षों में विवाद को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लगा दी थी। फिर भी दूसरा पक्ष ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने लगा। महिला जब उन्हें रोकने के लिए पहुंची तो पहले हवाई फायरिंग की, फिर भी जब महिला नहीं डरी तो ट्रैक्टर चढ़ा दिया।
पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर बेलियारा गांव के प्रधान के घर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस को छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध हथियार और बम बरामद हुए हैं। महिला के पति पर कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख बाबर अली की हत्या का आरोप लगा था। तभी से उनके पति रहीम मंडल फरार चल रहे थे। रविवार को पुलिस ने सूचना मिलने पर जब छापेमारी की तो रहीम मंडल के घर अवैध हथियारों का जखीरा देखकर दंग रह गई। तनाव को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। कानपुर में एसओजी की टीम ने बाबुलपुरवा में करोड़ों रुपए के केमिकल लगे छुहारे पकड़े हैं। किदवई नगर निवासी मिनाल गुप्ता की ट्रांसपोर्ट नगर में फैक्ट्री है। आरोप है कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब से खराब क्वालिटी के छुहारे सस्ते दाम पर खरीदते थे, फिर फैक्ट्री में गंधक और कई तरह के केमिकल का लेप लगाकर उन्हें चमकाते थे। इसके बाद पैकिंग कर बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देते थे। पुलिस ने मिनाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उन्हें क्वारंटीन किया गया है। उसके बाद लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले इस आरोपी को जेल भेजा जाएगा। मुरादाबाद में एक शख्स ने बहन के बलात्कार के बाद हत्या का बदला चुकाने के लिए रेप आरोपी का पहले अपहरण किया फिर हत्या कर दी। मोहल्ले के ही एक शख्स ने 19 साल पहले उसकी बहन की बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमेरिका में नस्ल भेद को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक अश्वेत को गोली मारे जाने के बाद विस्कॉन्सिन की सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों लोग नस्लवाद और पुलिस की क्रूरता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस अश्वेत लोगों को जानबूझकर निशाना बना रही है। कोरोना महामारी की चुनौती झेल रहा इसराइल सियासी संकट में उलझता जा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग बीते दिनों के साथ जोर पकड़ती जा रही है। गुस्साए प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के इस्तीफे के सिवाय किसी और बात से मानने को राजी नहीं दिख रहे। मॉरिशस में जापानी जहाज से तेल रिसाव को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। राजधानी पोर्ट लुई की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि सरकार समुद्र में बड़े पैमाने पर हो रहे तेल रिसाव को रोकने में नाकाम रही है। दुनिया में कोरोना महामारी की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना मरीजों की संख्या 2,52,00,000 पर पहुंच गई है। बीमारी से मरने वालों की संख्या 8,48,000 के करीब है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 61,50,000 पहुंच गई है। वहीं ब्राजील में कोरोना के मरीजों की संख्या 38,46,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना महामारी के केंद्र रहे इटली में स्कूलों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इटालवी सरकार ने स्कूलों में सभी सुरक्षा उपायों के लिए सेना को लगाया है। सेना के जवान स्कूलों में टेबल कुर्सियां लगाने में जुटे हुए हैं। इटली में अगले महीने से स्कूल खुल रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच पुर्तगाल के लिस्बन में पुस्तक मेले की शुरुआत हो गई है। विशेष सुरक्षा उपायों के साथ प्रशासन ने इस मेले में लोगों को आने की इजाजत दी है। अधिकारियों के मुताबिक 3,300 लोगों को हर रोज आने की इजाजत है। हालांकि सामान्य दिनों में यहां 15,000 लोग हर रोज आते थे। स्पेन में दक्षिणी तट के पास लगी जंगलों में आग ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कई घर जलकर खाक हो गए हैं, साथ ही एक लग्जरी होटल को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों के साथ साथ हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है।